Hey guys, welcome back to another vlog. So vlog की शुरुआत हो रही है आज हमारी रात को 9 बजे. तो रात को 9 बजे भाई ये हो रहा है कि आज है सैटरडे, सॉरी फ्राइडे, और कल और संडे को है मेरी छुट्टी. तो जैसे कि हमने सोचा कि क्यों ना मूवी देखने चलते हैं, तो हम देखने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र मूवी देखने. इस मूवी का काफ़ी ज़्यादा बायकॉट ट्रेंड हो रहा है, बट मेरे हिसाब से ऐसी यूनिक कंसेप्ट के ऊपर मूवी बॉलीवुड कभी कभी ही लाता है. तो मैं इस फिल्म को सपोर्ट करूँगा और ट्रेलर वाइज सॉन्ग्स तो काफ़ी अच्छे हैं. सो चलो फिर देखते हैं मूवी कैसी है. और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज इतना VFX, इतना यूनिक और ऐसी मूवी, वो भी हम 3D में देखेंगे पहली बात ये. दूसरी बात है हम 3D में देखने वाले हैं. सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है. तो चलो फिर देखते हैं मूवी. और मैं तो हो गया रेडी, नॉर्मल कुर्ता पजामा डाल के जा रहा हूँ और दीक्षा हो रही है रेडी. सो चलो फिर मिलते हैं आपको रास्ते में और देखते हैं कैसी है मूवी और रिव्यू भी करेंगे कैसी लगती है मूवी. चलो रेडी हो गया आधा घंटा, तो देखते हैं दीक्षा क्या कर रही है. यार हाथ दे यार, दीक्षा तब से बाथरूम में घुसी पड़ी है यार. लिपस्टिक यार, मुंह पे क्या पेंट पोत लिया तूने, देख तो कितना अजीब सा लग रहा है. सीरियसली वो अजीब सी लग रही है यार. थोड़ा देखो यार गाइस, कमेंट करके बताओ इसने मुंह पे अजीब सा लग रहा है, है ना. जल्दी कर फिर मैं वेट कर रहा हूँ. तो जी सफर हो गया शुरू और हम निकल चुके हैं मूवी देखने का. मैं बता दूं मूवी है हमारी 10:30 और अभी बज रहे हैं 9. जल्दी निकलने का ये भी रीजन है कि सोच रहे हैं पहले कुछ खा पी ले फिर मूवी देखने चलेंगे ना. सो गाइज थैंक यू सो मच, हमारा चैनल अभी 1000 सब्सक्राइबर तो आपको जैसे पता हो ही गए हैं और मोनेटाइज भी हो गया और प्लस हमें पिन कोड करके हमारा एड्रेस भी वेरीफाई हो गया है. बोलती थी मोटा हो गया. तो फाइनली मेरी जॉ लाइन देखो गाइस, जबरदस्ती की जॉ लाइन. मैं मोटा लग रहा हूँ क्या, कमेंट करके बताओ मोटा लग रहा हूँ. बोलो हाँ नहीं. तो जी हमने काफी सर्च करने के बाद हमें पता लगा कि पंचकुला सेक्टर 15 पे एक जो पार्टी लगती है, बट मेरा यार जंक फूड खाने का बिल्कुल मन नहीं है. तो देखते अगर वहाँ पे कुछ मिला टेस्टी यूनिक हेल्दी तो मैं खा लूंगा. तो मैं तो ये मैदा मुदा तो खाने वाला नहीं, पहले ही बोल रहा हूँ. सो चलो फिर चलते हैं, दिखाते हैं आपको. फिर बात देखना क्या खाएंगे. सो हाँ नहीं मैं नहीं खाने वाला, ठीक है. तो चलो फिर दिखाते हैं आपको पंचकुला 15 सेक्टर की चौपाटी. चलो हमें मार्केट मिल चुकी है, तो मैं बता दूं सेक्टर 15 पे नहीं थी, सेक्टर 7 में थी. थोड़ी गलती हो गई थी दीक्षा से. तो चलो फिर निकलते हैं जल्दी से, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या खाने को है. आई थिंक मैं आ रखा हूँ, मेरे को याद नहीं, बट चलो देखते हैं फिर भी. ये है यहाँ का मार्केट. ये दीक्षा सोच रही है क्या खाना है, मैं भी सोच रहा हूँ क्या खाना है. ये अभी वेज मोमोस मेरा मुँह पे देख के कैसे हैं है? बस ठीक ओके. चलो फिर मैं भी करता हूँ ट्राई. सो दीक्षा क्या खाना है अभी? डोसा. कहाँ है डोसा? सो डोसा खाने का मन कर रहा है अभी. ये है मार्केट. डोसा हो गया है रेडी और दीक्षा गई है कुछ ड्रिंक लेने, काफ़ी देर हो गई है इसको, तो मैं कर रहा हूँ अब इसका. तो जी मैडम आ चुकी हैं यहाँ पे लिपस्टिक लेने. लेने नहीं वाली. तो जी खा पी लिया है काफ़ी कुछ, डोसा खाया, बहुत अजीब सा है यार. सबसे बेस्ट चीज मुझे ये लगी स्वीट कॉर्न्स. मोमोज खाए हमने और डोसा खाया और ये खा रहे हैं. ये क्या होता है? स्वीट कॉर्न्स. कैसा लगा मार्केट जा? ठीक
छोटा सा ही है। चलो फिर बच्चों के 10 और हमारी मूवी है 10:30 बजे, फिर खाते हैं। पास में थिएटर है, ज्यादा दूर भी नहीं आती, 2-3 किलोमीटर है ना, 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, खाते हैं और निकलते हैं। तो चलो फिर देखते हैं मूवी ब्रह्मास्त्र। क्या दीक्षा? ब्रह्मास्त्र। देखते क्या की है मूवी। रणवीर कपूर की आई थिंक मैं मूवी देख रहा हूँ, लास्ट मूवी मैंने रणवीर कपूर की देखी थी, उसी थी यार। शमशेरा भी मैंने नहीं देखी, शमशेरा भी नहीं देखी थी। तो उसके बाद ये मूवी का वेट ऐसे एक्चुअली क्या था, 2014-15 में कोई याद है इस मूवी की जब मेकिंग चालू हो गई थी, काफी डिले थी मूवी। ये लड़के भी खाई आ रही है, देखो जरा निकलते हैं। खाने की चीजें जब खाओगी ना। तो जी थिएटर में पहुंच चुके हैं और अभी भी हमारे पास 20 मिनट है, तो चलो फिर चलते हैं थिएटर देखते हैं मूवी। कोई ये घर कार लगा गया है किया की, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरा ये खाली पड़ा हुआ है। तो यहाँ से रास्ता था तो उसकी वजह से ये पूरा रास्ता रुक गया, तो पूरा घूम के आना पड़ रहा है इधर। सो ऐसे मत किया करो यार, ऐसे बेकूफ वाले काम ना मत किया करो प्लीज। ये काफी भीड़ है, रात को 11 बजे का शो देखो कितने सारे लोग आ रखे हैं। केसरिया तेरा इश्क हमिया रंग जाओ जो मैं हाथ लगाऊं दिल भी ते सारा तेरी फिक्र में। मिल चुके हैं हमें 3D वाला चश्मा जो मैं उड़ाने वाला हूँ घर, घर लेके चले जाऊंगा मैं तो। 10:30 बजे का शो, भी कितनी भीड़ है, जो रहता है मूवी जाने वाली है हिट, काफी ज्यादा भीड़ है। तो रात के बज रहे हैं 10:30। गेम ऑफ लाइफ, ट्रेलर हो गया चालू। तुम्हारी पहली गेम, तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो जी ये मैं ऊपर दिखाता हूँ, आपको चश्मे से दिखाता हूँ। सजा हुआ है, आइए एक कहानी सुनाता हूँ कुछ ऐसे महान ज्ञानी ऋषि मुनियों की जिन्होंने हिमालय एक वरदान एक ब्रह्म शक्ति। मुझे भी इंटरव्यू हो गया टेक्नो कैम ऑन 19 Pro 5G। कैसे लग रही मूवी? मेरे को बहुत मजा आ रहा है यार, सही में कैसे नहीं अच्छी लगी सर। चलो देखते हैं आगे। थ्री डी में देखने का अलग ही मजा, सच में अगर ये मूवी देखनी है ना तो 3D में ही देखना है ना, अमेजिंग यार एक्सपीरियंस, अलग ही एक्सपीरियंस है। तो जी मूवी हो गई है खत्म, और मैं सही बताऊं मूवी मुझे ठीक ठाक ही लगी, थोड़ी सी डायरेक्शन में कमी थी, बट मूवी के जो कंसेप्ट थे वो थे। VFX तो मैं कहता हूँ भर भर के पैसा खर्च है, मेरे को लग रहा है अच्छे भर भर के। अगर ये मूवी तुमने एक्सपीरियंस करनी है तो 3D में ही देखना भाई, काफी कंसेप्ट अवेंजर से हैरी पॉटर से बहुत उठाए थे, बट अच्छी थी। अब देखो सेकेंड पार्ट में क्या होता है, सेकेंड पार्ट में उसके फादर की स्टोरी होगी है ना, जैसे बाहुबली में पहले उसकी स्टोरी उसके फादर की। शिवा की कहानी थी, अब उसमें देव की कहानी है, उसमें भी देखना ये रणवीर कपूर ही होगा। बट देखो अगर मूवी हिट होती है तभी शायद सेकंड पार्ट बनेगा। मौनी रोल के बारे में बताएंगे, काफी अच्छे एक्टिंग करी। हाँ मौनी रोल ने अच्छा काम किया है मूवी में, और अमिताभ बच्चन तो नो डाउट वो तो होते ही बेस्ट है, बाकी रणवीर कपूर आ लिया, बट सबसे अच्छे मुझे मूवी में सबसे बेस्ट मूवी लगा है शाहरुख खान का जो कैमियो रोल है ना, क्या तगड़ी एक्टिंग की। और 3D में यार ऐसा लगता है कि जैसे ना आपके सामने ही बंदा एकदम एक्टिंग कर रहा है खड़े होकर, और उसके फेशियल एक्सप्रेशन कितने अच्छे नोटिस होते हैं ना 3D, उसका बॉडी लैंग्वेज फेशियल एक्सप्रेशन बहुत चीजें हैं, छोटी चीजें वो काफी अच्छे से नॉलेज होती है, मतलब नॉलेज कह रहा हूँ काफी अच्छे से नोटिस होती है। मजा आ गया यार, मजा आ गया। अब मैंने सारी मूवी जो भी है 3D में ही देखा था। आलिया भट्ट का कोई बैकग्राउंड ही नहीं बताया, क्या स्टोरी थी उसकी, कहां से आई। हां एग्जैक्टली, और बहुत हाईलाइट कर दिया प्यार 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 यार को हाईलाइट कर दिया,
और मूवी की डायरेक्शन में थोड़ी कमी थी। चलो देखो यार सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि इस मूवी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया उसकी बैकग्राउंड स्टोरी, क्या पता सेकंड पार्ट में कुछ अच्छे से बन जाए, क्योंकि इसके मूवी के तीन पार्ट आने हैं। बज रहे हैं दो, ओ माय गॉड, अभी तक मूवी देख के आ रहे हैं क्यों? लेट होने का रीजन है कि अभी ड्राइविंग कर रही है दीक्षा गुलेरिया, झटके इसलिए दे रही है क्योंकि तो दबा, रोक रोक के दबा रही है। चलते रहे, अब 3 महीने हो गए तक इसको गाड़ी चलाने नहीं आई है यार। चल 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 चलो फिर दोस्तों, इसको सिखाता तो मिलता हूँ आपको सीधा घर पे।